हेलो गाइस, आज जेपी जा रहे हैं देहरादून मसूरी में। हमारी टीम वहाँ पे शूट कर रही है, मैं नहीं गया था कल से शूट कर रहे हैं वो लोग और वहीं पे रुके हुए हैं। आज मेरे को जाना पड़ रहा है तो मैंने सोचा कि जा रहे हैं तो एक व्लॉग छोटा सा हो जाए ट्रिप टू जेपी, देखते हैं कैसा रहता है सीन। और सबसे बड़ी बात है, आज आपके लिए एक सरप्राइज है, हम जिसमें जा रहे हैं वो एक बीस्ट है, तो लेट्स गो। सो ये है हमारी बीस्ट, अभी मैं आपको इसे साउंड करूँ। पहुंच गया जेपी, यहाँ पे मौसम बहुत ही सॉलिड हो रहा है। रास्ते में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेले निकला हुआ था आज, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। मैं जिस बाइक पे आया, बाइक तो मैंने आपको दिखाई थी, लोगों के रिएक्शन देखने वाले थे, GoPro तो था नहीं मेरे पास तो मैं रिएक्शन नहीं शूट कर पाया, लेकिन रिएक्शन सच में देखने वाले थे। ये हमारा रूम है, बहुत मैसी सा हो रखा है इस टाइम पे, बट अच्छा है। और ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे कुछ है नहीं, बाकी अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। सो हम रूम के बाहर जा रहे हैं और ये लॉबी है। प्रेस लिया है, प्रेस आयन करेंगे अभी। आ जाओ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल, ये लॉबी है। वेदर बहुत सॉलिड हो रखा है हमें, ऐसा वेदर, और उसमें आइस क्यूब्स के साथ कोल्ड ड्रिंक, अलग ही मज़ा है। अब ये था कि टेरिस पे तो मैं गया था, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे लोग थे तो मैं शूट नहीं कर पाया था। इस टाइम पे मसूरी में बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तो हमने वहाँ गए, हमने खाना वाना खाया, खाना खा के फिर हम लोग आ गए नीचे, हम रेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, बारिश हो रही है। अब सब लोग रेडी हो गए और हम शूट पे निकलने वाले हैं। गाइस, सब लोग रेडी हो गए शूट के लिए। हमारा ड्रेस कोड है वाइट, हत्तार बारिश हो रही है यहाँ पे। हम बारिश का क्या कर सकते हैं, मसूरी ऐसी जगह में आए और बारिश ना हो तो फिर फ़ायदा क्या। मेरे को वापस भी जाना है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाएँ। अभी देखते हैं किस तरीके से वापस जाऊँगा, क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ तो देखना है अभी बाइक से कैसे वापस जा सकता हूँ, क्योंकि भीग जाऊँगा पूरा, तो भीगना नहीं चाहता मैं, भीग गया तो फिर तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जैसे कि आपने देखा पूरे में यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग को जाना था बट हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए वैन का वेट कर रहे हैं। वैन आए तो हम बैठे और हम जाए। लेट्स सी, ऐसा लग रहा है जैसे विमान में बैठे हैं, ऐसे ऐसे जाएगा, अभी कट मारेगा आगे से। बहुत हैवी चलाते हो, मजा आ गया वैसे आपके साथ बैठ के। मैं तो विधायक के साथ चलता था, अजीत सिंह चौधरी है ना, उनके साथ चलता था। अच्छा, उनके साथ थे भैया जो थे वैन का ड्राइवर थे, ये कह रहे हैं पहले मैं विधायक के साथ था, विधायक के साथ से फिर अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ चला रहा हूँ। प्रेशर और बहुत चल रही है, बारिश की वजह से सारा सेटअप खराब हो गया, बॉल रूम में हमें सेटअप करना पड़ा यहाँ पे, देख सकते हैं। रोहन कैसे लग रहा है, बारिश ने बर्बाद कर दिया सब कुछ? तो रुकेगा, ये मसूरी है, मसूरी का कोई जगह टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये सेटअप था यहाँ पे,
और सेटअप पूरा दोबारा से करना पड़ा क्योंकि ऊपर बारिश हो गई जहाँ पर ऑरिजिनल सेटअप है ना, वहाँ पर बारिश हो रही है करने का जो अच्छे लिए होता है। बारिश काफ़ी लाइट हो गई है। ये स्कूल है वैसे, वुडस्टॉक फिल्म के भी शूट हुए हैं, इससे के बबल राय की शूट हुई है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूट भी आई हुई है, सेकंड पार्ट की भी में भी शूट हुई है, काफ़ी सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूट हुई है। देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल, बट बारिश की वजह से मैक्सिमम चीज़ें ख़राब हुई। पीछे आप देख रहे होंगे एक काइंड ऑफ टेम्प्रेरी सेटअप लगाना पड़ा है। व्यू देख सकते हैं आप, हर जगह का व्यू बहुत ही औसम है। ये पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही औसम व्यू आ रहा है। ये था पूरा जेपी का टूर, अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा। आज हमने बारिश में ड्रोन उड़ाने का रिस्क ले ही लिया फाइनली। एक पार्ट है जेपी में जहाँ पे ये हट टाइप का है, वहाँ से बहुत ही औसम व्यू आता है, चारों तरफ यहाँ पे औसम व्यू है। ये पूरा जेपी का टूर था। टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट।